मैं मनोज कुमार आप सभी का देसी एफएम मनोज में स्वागत करता हूं। तरेत पाली नौबतपुर पटना से आज मैं आपको बतलाऊंगा कि दिव्य दरबार में अपने जो नारियल है, जो कपड़े का रंग है, वो कैसा रखेंगे, किस तरह से आप लगाएंगे अपने अर्जी को कि आपकी ही अर्जी सुनी जाए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा 15 मई दिव्य दरबार में अर्जी लगाने का विधि क्या है, अर्जी लगाने का पूजा विधान क्या है, आपको मैं बतलाऊंगा। और सामग्री क्या क्या लेनी है, तो सबसे पहले आप नारियल ले ले, एक नारियल। फिर अपने मनोरथ के अनुसार कपड़ों का चयन करें। अगर बच्चों के शादी विवाह से संबंधित आपके मनोरथ है तो पीले रंग के कपड़े का चयन करें। घर में प्रेत बाधा से ग्रसित रोगी है तो उसके लिए काले कपड़े लें। बाकी सब मनोरथों के लिए आप लाल रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करें। और 5 अच्छे क्वालिटी के लॉन्ग, जिसे अंग्रेजी में क्लोब कहते हैं, उसे ले। एक कागज और एक कलम यह आप लें। इसके बाद आपको करना क्या है, 8 दिनों का ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मंगलवार से 4 दिन पूर्व आप ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करें। सात्विक आहार लें, आपके विचार सात्विक हो। मंगलवार के दिन आप सुबह 4 बजे के करीब उठ जाएं, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इस समय सारे पॉजिटिव एनर्जी ब्रह्मांड में विचलित करते रहते हैं। आप शुद्धि और स्नान करने के बाद अपने पूजा गृह में आए, दीप जलाएं। दीप जलाने के बाद अपने इष्ट देव और सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। कहे कि हे भगवान, आज मैं अपने मनोरथ हेतु अर्जी लगाने जा रहा हूँ, आप सभी मिलकर मेरे मनोरथ को सिद्ध करें। इसके बाद आप बागेश्वर बालाजी का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद अपने मनोरथ को मन में 3 बार दोहराएं और दोहराते हुए कागज पे अपने मनोरथ को लिखें। लिखने के बाद आप उस अर्जी को लाल रंग के कपड़े या जो कपड़ों का आपने अपने मनोरथ के अनुसार चयन किया है उस पे रखें। रखने के बाद नारियल को उस कपड़े पे रख दें और जो आपने 5 लौंग लिए हैं उसको भी वहां रख करके नारियल को आप कपड़े में लपेट ले, अपने अर्जी के साथ अपने हाथों में ले। हाथों में लेने के उपरांत बागेश्वर धाम का जो मंत्र है, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, इसका 108 बार जप करें। जप करने के बाद उस बंधे हुए नारियल को अपने पूजा गृह में रखें। अगले 4 दिनों तक आप ब्रह्मचर्य का पूरे परिवार के साथ पालन करते रहें। आहार और विचार आपका सात्विक होना चाहिए। इस 4 दिनों के अंदर अगर आपके या आपके किसी भी परिवार के सदस्य को लगातार सपने में 2 दिनों तक बंदर दिखाई देता है तो समझे आपकी अर्जी स्वीकार कर ली गई है। अर्जी स्वीकार होने के बाद उस नारियल को अपने घर के मंदिर में ही रखें और हर रोज पूजा करें जब तक आप बागेश्वर धाम नहीं आते हैं। बागेश्वर धाम आने पर आप उस नारियल को वहां बांध दें। बांधने के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार वहां भंडारा जरूर करवाएं और पूजा अर्चना करें। इससे आपकी अर्जी की स्वीकारता हो जाती है और आपका मनोरथ सिद्ध हो जाता है। अब आपको मैं बतलाऊंगा प्रेत बाधा से जो ग्रसित रोगी होते हैं घर पे, उनका उपचार मंत्रोपचार कैसे करें। जो स्वामी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आपको बतलाया वह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बतला रहा हूं। तो बागेश्वर धाम के बालाजी का आप स्मरण करें। मंगलवार या शनिवार का दिन का चयन करें। काले रंग का कपड़ा ले लें, 5 लौंग ले लें और 108 बार आप ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा,
इस मंत्र का आप 108 बार जप करें। जप करने के बाद 5 बार आहुति दें। आहुति देने के बाद उस काले कपड़े में लौंग को बांध करके जो प्रेत बाधा से ग्रसित रोगी है या जिन पर नेगेटिव एनर्जी है उनके हाथों में बांध दे और अनवरत इस मंत्र का आप जाप करते रहे जब तक आप बागेश्वर धाम के बालाजी के मंदिर में आप शनिवार या मंगलवार की पेशी नहीं कर लेते हैं। यह प्रेत बाधा से ग्रसित रोगियों के लिए मंत्र उपचार है। घर में कुछ रोगी ऐसे भी होते हैं जिनका रोग का कुछ पता नहीं चलता है, तो उन रोगियों के उपचार के लिए आप एक कटोरे में गंगा जल का पानी रख लें और 108 बार नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, इस चौपाई का 108 बार जाप करें और 5 बार आहुति दे करके उस गंगा जल को रोगी को पिलावे। 40 दिनों के अंदर वह रोगी स्वस्थ हो जाएगा। यह सब सिद्ध चौपाइयां हैं जो बागेश्वर धाम के बालाजी से आपको शक्ति प्राप्त होती है। अब मैं बतलाता हूं, बिजनेस आपका बढ़ नहीं रहा है, बिजनेस में घाटा हो रहा है, घर में क्लेश हो रहा है, नौकरी में प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं लग रही है, तो उसके लिए आपको उपाय वही करने हैं। लाल रंग का कपड़ा ले, अपनी अर्जी को लिखें और नारियल को रख के उस पर लौंग रखें और लपेट करके किष्किंधा कांड की जो एक चौपाई है उसको 108 बार जपे और 5 बार आहुति दे। किष्किंधा कांड की चौपाई इस प्रकार है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तो आप पूरे श्रद्धा के साथ अपनी अर्जी बागेश्वर बालाजी के दरबार में लगाएं।